Hello everyone, how's your occupation going on? Me Divakar Rajput, welcome to all of you the official channel of Divakar Education Hub. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स. पॉइंट से मेरा मतलब है कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, कुछ लास्ट के 3-4 ईयर्स में हमने देखा है कि उन टॉपिक पर तो क्वेश्चन बने ही बने हैं. क्वेश्चन रिपीट ना हुए हो बट आपका बेसिकली वे टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर आए हैं. ठीक है, तो उनके ऊपर हम बात करके. सो गाइस, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, वी हैव ऑल मटेरियल फॉर द कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीपल वन अपडेटेड मटेरियल है हमारे पास. मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं जो कि स्टार्ट है ओनली जस्ट 250 से, तो आप हमारी इस पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं testseries.divakareducationhub.com. अब गाइस बात कर लेते हैं कॉमर्स के कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपको एटलीस्ट और आपको डेफिनेटली उन्हें रिवाइज करना चाहिए. आपने अगर पढ़ भी लिए हैं तो काफी एक्सपेक्टेड है और काफी टाइम से उनपे क्वेश्चन आए. ठीक है, तो अगर बात करें हम यूनिट 1 से तो बिजनेस एनवायरनमेंट पे. देखिए, जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्ट जो है, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, ये जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, जनरली क्वेश्चन आप देखें, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये एक्ट दे दिए जाते हैं या पूछ लिया जाता है कि इनके कौन से सन में ये आए थे या इनके आपको इनके मैचिंग करने के लिए कोई लाइन दे दी जाती है कि इनके बारे में कौन सी लाइन सही है या गलत है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्ट बहुत हो. फीमा और CSR, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काफ़ी इजी टॉपिक है. इन्हें आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इनके जो एक्ट है, क्योंकि एक्ट यहाँ पर मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बेसिकली आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपसे पूछे जाए. ठीक है, उसके अलावा जो ये 1991 के जो आपकी पॉलिसीज इंडिया ने अडॉप्ट की थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती हैं. ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए आपके इंटरनेशनल बिजनेस भी है. जब भी इंटरनेशनल बिजनेस पे करें तो आपका अभी दिसंबर पेपर में ही क्वेश्चन आया था आपका, बेसिकली करंट अकाउंट के ऊपर बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर. तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये थोड़ा थोरली इनके ज़रूर कंसिडर कीजिएगा. इनके अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उनके पॉइंट्स आप ज़रूर एक बार रिमेम्बर करके एग्जाम में जाइएगा. ठीक है, अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी अगर आपके पूरे इंटायर ईयर काफ़ी न्यूज़ में रहती है. कभी कभी क्या होता है, देखा गया है कि नेट में आपके भले ही वो पेपर सेकंड हो, आपका मेन पेपर में भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता, मतलब डायरेक्टली करंट अफेयर्स से नहीं पूछा जाता, बट जो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में रहती है, ट्रेंड में रहती है, जैसे IMF पाकिस्तान को लेकर काफ़ी ट्रेड में था, FATF, ठीक है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स, पहले से ही आपके सब्जेक्ट में नहीं है बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, नाफ्ता, एशियन सार्क, ठीक है, और ये जितनी है ना, ये यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज आपकी है, ब्रेग्जिट जो हो रहा है, ब्रेग्जिट जो अभी ये कलेक्ट हो सकता है आपका, ब्रेग्जिट अभी ब्रिटेन यहाँ से निकलना चाहता है यूरोपियन यूनियन से, राइट नाउ दे आर हाउ मेनी कंट्रीज, सार्क में कितनी कंट्रीज हैं, और एशियान का पार्ट क्या इंडिया है, ये ज़रूर एसोसिएट करें. ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनका हिस्ट्री इतने ज़रूरी नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा मुझे नहीं लगता. ठीक है, बट क्या इंडिया इनका मेंबर है, क्या सार्क का मेंबर है इंडिया, एशियान का मेंबर है इंडिया, EU का मेंबर तो डेफिनेटली नहीं है, ये तो आप वैसे भी पता लगा सकते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है. फिर WTO, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है इनके जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, GATT, TRIPS, TRIMS, ये तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है. अगर बात करें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, देखिए ये अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये सबसे वाइड यूनिट है. ठीक है,
सबसे वाइड यूनिट है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको जर्नल सारी जर्नल एंट्रीज नहीं आती डजेंट मैटर, ठीक है, आपको बैलेंस शीट नहीं आती डजेंट मैटर, आपको लेजर नहीं बनाना आता डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि इम्प्लीकेशन पूछा नहीं जाता, वो आपको वहाँ पर बनाना नहीं। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जितने भी एस्पेक्ट है वो पता होना चाहिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या होता है वो पता, एमलगेमेशन की प्रोविजन क्या है, इन सब के कुछ पॉइंट्स रख लिए, एमलगेमेशन, मर्जर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें काफ़ी सारी कॉस्टिंग, जैसे काइजन कॉस्टिंग होती है, भाई क्यों होती है काइजन कॉस्टिंग, बेसिकली रिड्यूस द कॉस्ट, मतलब जो भी अननेसेसरी होता है वो वहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाता है, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो इनके अगर आपको पांच पांच मेन पॉइंट भी पता है ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ लिया जाए आप यहाँ पर बता देंगे। एक दो क्वेश्चन पार्टनरशिप का यहाँ पर न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी इजी होता है बेसिकली, या तो गुडविल पे पूछ लिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि गुडविल कैसे वैल्यूलेट करते हैं, या बेसिकली द सम ऑफ मनी कितना लाए, ठीक है, जैसे ए बी पार्टनर्स थे 50-50 के पार्टनर सी आया तो उसे कितना शेयर लाना चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ जनरल क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑडिटिंग, देखिए एक ऑडिटिंग चैप्टर है, पूरी बुक आती है सी और सी एस में, एक काफ़ी वाइड आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, बट हमें सी और सी एस वाला तो पढ़ना नहीं है यहाँ पर बेसिकली। तो ऑडिटिंग में बेसिकली आपको क्या होगा, यहाँ पर वॉचिंग जो आपको पता होना चाहिए कि वॉचिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस, वॉचिंग में क्या आता है आपका, ऑडिट में बेसिकली ऑडिट ऑडिटर का काम क्या होता है, ठीक है, क्या ऑडिटर जो होता है वो बेसिकली उसका काम है कि बैलेंस शीट को इम्प्रूव करना, ठीक है, नहीं डजेंट मैटर, ऑडिटर का काम या सीएस का सीए का ये काम नहीं होता कि वो इम्प्रूव करे, उसका काम होता है बताना, ठीक है। तो ये ऑडिटिंग थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना, और यू डिफरेंट ट्रेंड आप ऑडिटिंग होता है, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, देखिए ज़्यादा थोरली जाना जरूरी नहीं है आपको, नहीं आपको इसके सम यहाँ पर करना चाहिए, ये जब जितनी है ये बेसिक ऑडिटिंग में ही आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये वाउचिंग सब ये बेसिक ही आपकी आती है। अगर बात करें इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स में जनरली आपसे क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई आपको कर्व दे दी जाती है, डायग्राम दे दी जाती है, आपको पूछ लिया जाता है कि बेसिकली ये कौन सी कर्व है, या नीचे आपको ऑप्शन चार ऑप्शन यहाँ पर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। आपने समझ लिया तो आपको कोई भी कर्व दे दी जाए आप बता दोगे कि क्या शो कर रही है, ये बेसिकली जैसे किंग आपकी किंग डिमांड कर्व हो गई, ये क्वेश्चन बेसिकली जनरली आ सकता है, या एक डायग्राम दिया जाता है, या बेसिकली जनरली क्वेश्चन आप तो मार्केट पे भी आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ समझने वाली बात होती है, और यहाँ पर हर टॉपिक यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका है, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ठीक है, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली एक नया टॉपिक है, पहले इसमें नहीं रहता था, ठीक है। तो ये ज़रूर आप करिएगा, पीक लोड प्राइसिंग क्या होती है, प्राइस पेनिट्रेशन, ठीक है, इन पर जनरली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर फाइनेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल आर्बिट्राज, ठीक है, ये टॉपिक आपका पहले नहीं था, इंटरनेशनल आर्बिट्राज समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही जो टॉपिक देखिए फाइनेंस में भी आपको काफ़ी कुछ मिलता है, मतलब ये भी आपका इंटरेस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको दुनिया भर के बारे में पता चलता है, दुनिया भर की करेंसीज के बारे में पता चलता है, मार्केट्स के बारे में पता चलता है, बट यहाँ पर भी आपको जनरली कुछ नहीं, आपको काफ़ी कम टॉपिक यहाँ पर बच गए हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, तो बेसिकली एक तरीके से आप अकाउंटिंग में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ लेते हैं, बट ये जो नए टॉपिक है इंटरनेशनल आर्बिट्राज, ठीक है, GDR, ADR, तो आपके पहले भी यही टॉपिक यहाँ पर थे, ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, ठीक है, ये भी आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इन पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए। रिसर्च की बात करें, रिसर्च एंड देखिए ये जो है ना डाटा कलेक्शन, यहाँ पर सैम्पलिंग, एस्टिमेटिंग,
ये तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूट यानी कि पेपर वन में भी आ जाता है, बट पेपर वन में आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम या स्टैंडर्ड एरर स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ये टॉपिक नहीं होते। इसके अलावा एच टेस्ट, यू टेस्ट, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँ क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये इन पे ना आप यू नो जनरली अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट के बारे में स्टैटिस्टिक, तो आप यू नो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब कोई स्टेटमेंट आपको जनरली आ जाता है कि कोई स्टेटमेंट दे दिया आपसे, तो पूछ लिया गया कि ये किस टेस्ट से रिलेटेड है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट। अगर हम कहें टी टेस्ट या एफ टेस्ट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, इनोवा और काई स्क्वायर टेस्ट में भी ज़्यादा है, तो एजम्पशंस जो होती है ये ही डिस्टिंक्ट करती है। तो एक काम कीजिएगा, जितने भी टेस्ट है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इनोवा, जितने भी है, ठीक है, उनके ना एजम्पशंस रट लीजिएगा, एक तरीके से रट ही लीजिएगा अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग ये नया टॉपिक है, इसे एक दो रिपोर्ट राइट करके भी देख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा हैनी फ्यूल ने कौन सा दिए थे, एडम स्मिथ की थ्योरी कौन सी है, एक्स एंड वाई थ्योरी क्या है, हाइजीन थ्योरी क्या है, तो इन पे क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये आपका एचआर हो जाता है, जिसमें 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, ये ना जितने भी एचआर के टॉपिक है ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं कहीं ना कहीं बेसिकली, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यू नो बेसिकली कुछ आप पॉइंट्स यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। मतलब अभी आपको ज़रूरत है कुछ एक ऐसा, एक छोटी सी कॉपी ले लीजिएगा या जो भी आप लेना चाहे, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी रिवाइज होते हैं, उनसे यू नो उन टॉपिक को आप ज़रूर एक तरीके से जब एक दो दिन पहले या चार पाँच दिन पहले आप रिवाइज कर सकें। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है, मिलाकर म्यूचुअल फंड से लेकर पेंशन फंड तक, ठीक है, कैसे पेंशन फंड कैलकुलेट होती है, ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन है, सेबी, इंश्योरेंस कौन संभालता है, ठीक है, री इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDA क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और म्यूचुअल फंड से क्योंकि ये काफ़ी ट्रेन करता है टॉपिक, यू नो ऑलवेज न्यूज में रहता है, ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड एक बार ज़रूर इन्हें अच्छी तरीके से पढ़िए, व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड और एग्जैक्टली फंडा क्या है म्यूचुअल फंड में, और क्या अंतर है कि आप डायरेक्टली जाकर डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हो और शेयर्स खरीद लेते हो, पर म्यूचुअल फंड में कौन खरीदता है आपके शेयर, बेसिकली शेयर ही खरीदते हैं जो जिन कंपनी के आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो या म्यूचुअल फंड करवाते हो, वो भी शेयर ही खरीदते हैं। और पेनिट्रेशन कैसे करता है, पेंशन प्रोविडेंट फंड की यहाँ पर बात होगी, ठीक है, डेफिनेटली नेशनल पेंशन स्कीम की यहाँ पर बात होगी, ये भी इसमें आ जाती है, तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं है आपको ज़्यादा, यू नो प्राइजिंग, मिक्स, पेनिट्रेशन, डाउन साइजिंग, ये ही आपका यहाँ पर जनरली आता है। ये जो देखिए लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, देखिए जब भी कुछ नया ऐड किया जाता है तो एग्जाम में फोकस करता है कि उस जो एड ऑन टॉपिक हो वहाँ पर ज़्यादा कुछ निकाला जाए। तो जितने भी टॉपिक है लगाकर GST RTI एक्ट से लगाकर आपके यू नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट और पेटेंट ट्रेडमार्क, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया गया, ठीक है, अभी था आपका आई थिंक May 13 में था, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्यों लाया गया, ये कहीं ना कहीं इन पे जनरली यू नो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पर सपोज आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक लाइन दे दी, कंपटीशन एक्ट के बारे में दे दी, ठीक है, इन सब के बारे में एक लाइन दे दी, मैचिंग में दे दिया, पूछ लिया कौन सा पेयर गलत है, तो आपको पता होना यहाँ पर डेफिनेटली चाहिए। GST जो है ना, देखिए GST अपने में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, बट आपको ज़्यादा नहीं, यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव, मेन प्रोविजन, बेनिफिट, इम्प्लीमेंटेशन, मैकेनिज्म, वर्किंग ऑफ ड्यू GST यानी कि IGST की बात करें, इंटर स्टेट GST, स्टेट GST, सेंट्रल GST और आपकी एक और होती है जो कि आपकी लगती है एंड यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, ये जनरल टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर यू नो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है, यही बस कुछ यहाँ पर आपके ये कुछ टॉपिक है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच
वॉच आउट दिस सेशन, और आपको अगर ये पॉइंट अच्छे लगे तो ज़रूर बताना।